अपना नाम बता दे जी। मेरा नाम उमेश यादव है। उमेश जी, क्यों आप तालाबंदी जी? आज 5 महीना हो गया लगभग। धीरे धीरे जो है कि बेचू प्रशासन और वाइस चांसलर द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। हम उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग ऐसे ही चैनल बंद कर रहेंगे। और हम लोग इससे अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि बेचू प्रशासन द्वारा लगातार हमें जो है बाहर धरने में नहीं बैठा दिया जा रहा है। हमारे जो है कि समानता के अधिकार और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। वो हमें बाहर से उठा ले जाते हैं, इसलिए हम इस बार अंदर ताला मार कर बैठे हैं ताकि हमें कोई उठा ना पाए और हम लोग अपना विरोध दर्ज करा पाए। सर, क्या मामला है संक्षिप्त में पूरा बता दें। मामला यह है कि हम लोग 8 अगस्त को धरना पर बैठते हैं PhD 2022 प्रवेश प्रक्रिया के विरोध में, क्योंकि इसमें धांधली हुई थी। परंतु उस चीज को लेकर 25 अगस्त को एक कमेटी गठित की गई। हमारे 6 साथी जब स्वास्थ्य कारणों से खराब बीमार हुए तब, परंतु वो कमेटी आज 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार हमें गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। वाइस चांसलर से लेकर कंट्रोलर से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर हर लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। तो हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे, तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक हमें कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। और डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।